योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में आयोजित एक योग शिविर के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाएं साड़ी, सलवार और सूट में भी अच्छी लगती हैं। मेरी तरह कुछ ना भी पहने तो भी अच्छी लगती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि रामदेव जब ये बात कर रहे थे उस समय राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी मंच पर मौजूद थी। रामदेव के इस बयान के बाद जहां सोशल मीडिया में जमकर उनकी आलोचना होने लगी है, वहीं इस बयान पर महाराष्ट्र महिला आयोग ने बाबा रामदेव को नोटिस भेजा था, जिसके बाद बाबा रामदेव ने अपने बयान पर अब माफी मांग ली है। साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जा करके 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई है। खैर।